अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौक जोगबनी रोड में पेट्रोल पंप के पास लूटपाट के अपराधियों ने गोली चलाई। इससे बगल के गैराज में काम करने वाले 20 साल के युवक के सीने में गोली लग गई। गोली लगने से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। घायल युवक मटियारी वार्ड संख्या 3 का रहने वाला मोहम्मद सुफियान है। गोली से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पूर्णिया रेफर कर दिया। युवक की हालत काफी नाजुक बताई गई है। वहीं घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सुभाष चौक पेट्रोल पंप के पास सड़क को जाम कर दिया। आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटना की सूचना के बाद फारबिसगंज SDPO रामपुकार सिंह, थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों को समझाने पर लोगों ने सड़क को जाम से मुक्त कर दिया और मामले की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति से झोला छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान अपराधियों से पीछा छुड़ाते हुए व्यक्ति गुड्डू मोटरसाइकिल गैराज की ओर भागने लगा। इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इससे गैराज के पास खड़े 20 साल के युवक मोहम्मद सुफियान को गोली लग गई। अपराधी गोली चलाते हुए बाइक पर सवार होकर जोगबनी की ओर भाग निकले। घटना के बाद जिस व्यक्ति से अपराधी लूट का प्रयास कर रहा था, वह भी वहां से गायब हो गया। इसका पता नहीं चल पाया है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घटनास्थल के पास ही सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। घटना के संबंध में फारबिसगंज SDPO रामपुकार सिंह ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस उस व्यक्ति को भी तलाश करने में जुटी है जिससे लूट का प्रयास किया गया था। पुलिस जांच में जुटी है।